बढ़िया सर, आपका कंपोजिशन मुझे बहुत अलग लगा और अच्छा लगा। मेलोडी है, मेलोडी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपके गिटार ने बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट आपको नए चीज के लिए, मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। फास्ट वाला ट्रैक कैसे लगे आपको? फास्ट वाला भी बहुत अच्छा, जैसा आपका जो गाने का एटमॉस्फेयर है ना, हाँ, उसके हिसाब से टाइमिंग, फास्ट टेम्पो है, अच्छा है। एंड इवन ग्रेट कोऑपरेट बाय मिस्टर अभिजीत, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट है, वेरी गुड सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यस सर, यस सर, थैंक यू। चार चांद लग गए आपके गिटार में, तो बहुत मजा लाया। आपने काफी सारी फिल्म की है ना सर, बॉलीवुड की? हाँ, मैं एक्चुअली ज्वाइंट इंडस्ट्री ज्वाइन किया 1984 या 85 में। ओके ओके। और सबसे पहला मेरे को चांस दिया पंचम दाने। ओके ओके। वो पिक्चर थी हरजाई पिक्चर। अच्छा, तो वहां से मेरा करियर उनके साथ 12 साल 13 साल काम किया। अच्छा, बाकी सबके साथ किया है काम। गिटार बेस आपकी सबसे, ये सब काफी सारी फिल्म है, लेकिन आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है जिसमें आपको बहुत मजा आया? पंचम दा के साथ काम करने का तो गिटार का बात ही अलग, उनका yes. गिटार का साउंड कोई म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं आया, एक हाँ। पंचम दा और एक ओपी नैयर सर, ओके, दोनों ने गिटार को बहुत ज्यादा अहमियत दिया। अच्छा, इम्पोर्टेंस दिया। अच्छा, क्योंकि पंचम दा खुद भी अच्छे जानकारी वाले लोग थे। yes, sir, yes, sir. वो रिकॉर्डिंग खुद करते थे, बैलेंस खुद करते थे। हाँ सर, हाँ सर। और गिटार के नए नए सोच पैटर्न सब सोच के वो एक इंस्टीट्यूशन था मेरे लिए, तो हाँ जी, हाँ जी, वहां से बहुत कुछ सीखा। 90 के बाद में फिर आपने जो काफी सारी फिल्म की है उसमें से गिटार आपको यानी कि मॉडर्न और वेस्टर्न इंडो ऐसा कुछ फिल्म आपकी यादगार? वेस्टर्न में जरा अभी नए म्यूजिक डायरेक्टर में पंचम दा के बाद तो मुझे खाली उनके जो स्टेप वाइज उनके मेलोडी के हिसाब से जतिन ललित अच्छे लगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जतिन ललित का पैटर्न बहुत अच्छा था।